नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीलभूषण प्रसाद आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पुर्तगालियों के व्यापार पर प्रभुत्व के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ और कैसे कैसे वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों के व्यापार के प्रभुत्व पे बात करें तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, आप चाहे तो इसको आप नोट्स कर सकते हैं, आपका नोट तैयार हो जाएगा। तो पॉइंट वाइज हम चलिए शुरू करते हैं कि 1506 में मसाले का लाभदायक व्यापार को पुर्तगाली राजा अपने अधीन कर लिया। मसाले के व्यापार से इतना काफी लाभ मिल रहा था कि पुर्तगाली राजा उसको अपने अधीन कर लिया और भारत में जो पुर्तगाली थे वो अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद से भारत में मेहनत करने लग गए। नेक्स्ट पॉइंट में है कि भारत के पूर्वी तट से सीधा संपर्क करने के लिए मसूलीपट्टनम पुलिकेट जो बंदरगाह है कोरमंडल तट पे स्थित इत्यादि शहरों से वह वस्तु इकट्ठा करते थे तथा पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम उनका प्रमुख बंदरगाह था। जो पूर्वी तट पे शहरों से वो व्यापार करते थे वो उसके लिए मसूलीपट्टनम और पुलिकेट जैसे बंदरगाह पे वो अपना कंट्रोल रखे हुए थे जिससे वो व्यापार करते थे। और पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए जो उसका प्रमुख बंदरगाह था वो नागपट्टनम था, वहीं से वो व्यापार को संचालन किया करते थे। 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह के द्वारा से चटगांव और सतगांव जो अभी बांग्लादेश में स्थित है, जो 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह से चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की उसने अनुमति ले ली और वह फैक्ट्री वहां पे खोल लिए। अकबर की अनुमति से हुगली और शाहजहां के फरमान से बुंदेल में कारखाने खोले। उसके बाद भारतीय जहाजों से कार्टेज व्यवस्था की तरह तहत कर वसूला करते थे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चूंकि मुगलों के पास नौसैनिक इतना ज्यादा मजबूत नहीं थी और ना उन्होंने कभी मजबूत करने की कोशिश की, जबकि पुर्तगालियों की नौशक्ति बहुत ही मजबूत हो चुकी थी और हिंद महासागर के क्षेत्र में उनका व्यापार पे एक अधिकार हो गया था, एक बहुत ज्यादा नियंत्रण था। तो भारतीय जहाजों जो भारतीय व्यापारी उनसे उसके हिंद महासागर के क्षेत्रों में व्यापार करते थे तो एक कार्टेज व्यवस्था के तहत उससे कर उस वसूला करता था। अगर वो कर भारतीय व्यापारी नहीं देते थे तो पुर्तगाली उसके जहाज को लूट लेते थे और अगर जो कर देते थे तो फिर उसको उसके जहाज को पुर्तगाली सुरक्षा प्रदान करते थे और फिर नहीं लूटते थे। तो इस कार्टेज व्यवस्था के तहत पुर्तगाली भारतीय व्यापारियों से भी कर वसूला करते थे। पूर्व की वस्तु को खरीदने के लिए पूर्व एशियाई देशों से वस्तु को खरीदने के लिए वो क्या करते थे, पश्चिमी देशों से सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य धातु लाते थे और उससे वो खरीदा करते थे। पूर्व की वस्तुओं को खरीदने के लिए पश्चिमी देशों के सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मालाबार और तथा कोंकण तट से काली मिर्च का बहुत ज्यादा व्यापार था तथा इंग्लैंड जर्मनी से गुलाब जल मूंगा पारा इत्यादि कोचिन तथा गोवा पत्र लाते थे। जो हमारा काली मिर्च है तो काली मिर्च का जो व्यापार था भारत में, काली मिर्च की जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी जिसके कारण से उसने मालाबार और कोंकण तट से अपने यूरोप में वो काली मिर्च को ले जाया करते थे। और कहा जाता है कि काली मिर्च का व्यापार इतना बढ़ गया था कि पुर्तगाली व्यापार संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो प्रति वर्ष भारत भेजने का अनुमति दे दी थी जिससे हम काली मिर्च का आयात कर सके। और फिर यूरोप के जो देश थे जैसे कि इंग्लैंड जर्मनी वहां से वो गुलाब जल तांबा पारा ढाले हुए सिक्के इत्यादि भारत लाते थे और भारत के कोचीन तथा गोवा बंदरगाह पे ला करके और फिर भारत के बाजारों में सप्लाई किया करते थे। तो इस तरह से विभिन्न एशियाई देशों के साथ आयात और निर्यात से पुर्तगाली जो है बहुत सारे व्यापार में फायदा कमाए, बहुत सारे मुनाफा कमाए और अपने व्यापार पे वो एक अधिकार करते चला गया। चलिए आगे देखते हैं कि पुर्तगाली का प्रशासन कैसा था, किस तरह से वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे। पुर्तगाली प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली प्रशासन का जो मुखिया होता था वो वायसराय होता था। तो पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय होता था जो 3 वर्षों के लिए अपने सचिव के साथ कार्य करता था। पहले 3 वर्ष वो अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में उसे एक परिषद मिलता था जिसके साथ वो कार्य करता था। और हम पढ़ चुके हैं अपने 3 वायसराय के बारे में, जो अल्मेडा अल्बुकर्क और निनोदा कुन्ना के बारे में। गिरजा घर संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद के कारण वायसराय की शक्ति में ह्रास,
गिरजा संबंधी गिरजाघर की संबंधी प्राधिकरण के बारे में वायसराय के साथ हमेशा कुछ न कुछ मतभेद रहता था, और चूंकि धार्मिक मामले को पुर्तगाली ज्यादा महत्व देते थे इसीलिए गिरजा संबंधी मामले में मतभेद होने के कारण वायसराय की शक्ति धीरे धीरे कमती चली गई। एक पोस्ट होता था वेडोर द फजेंडा, वेडोर द फजेंडा का महत्व जो है वो बढ़ चुका था। अब वेडोर द फजेंडा करता क्या था, तो वेडोर द फजेंडा जो के अधिकारी जो थे वो कार्गो के लिए, कार्गो का बेरा जो शिप का बेरा और नौसैनिक शक्तियां अगर कहीं पे भेजना होता था उसके लिए वो जिम्मेदार हुआ करते थे। इस कारण से वेडोर द फजेंडा का महत्व पुर्तगाली प्रशासन में बहुत ज्यादा था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि पुर्तगालियों की ईसाई धर्म के प्रति जो नीतियां थी उसके बारे में भारत में वो अपने नीति को कैसे लागू किया और उसमें उसका क्या निहित स्वार्थ छिपा हुआ था। तो पुर्तगालियों की धार्मिक नीति और निहितार्थ की बात करें तो हम जानते हैं कि पुर्तगाली जो थे वो व्यापार करने के लिए भारत तो आए थे, साथ में वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी भारत आए थे, और वो उनका एक छुपा हुआ एजेंडा ईसाई मत को प्रचार करने का भी था। तो 1542 में जब जेसुइट होता था, ईसा मसीह के जो कैथोलिक समाज होते थे उसके सदस्य होते थे, तो 1542 में जेसुइट भारत आया, और जब वो भारत आया तो उसके बाद से पुर्तगाली सम्राट को भारत में भारत के सभी गिरजाघरों एवं मिशनों का संरक्षण बना दिया गया। उसके बाद जो है अकबर के समय में भी, जब मुगल शासक अकबर शासन कर रहे थे तो उस समय 1572 में जब अकबर कैम्बे गुजरात का दौरा किया था उस समय कुछ पुर्तगाली या यूरोपीय ईसाई कह सकते हैं कि उनसे जाकर के मिले, तो अकबर उनसे काफी प्रभावित हुआ, यूरोपीय ईसाई उनसे आकर के मिले। बाद में गोवा के बासराय के दूत एंटोनियो कैबरेल और उसके बाद फादर जूलियन परेरा जो बंगाल में चर्च के पुजारी थे वो भी अकबर से मिले, और इन लोगों का एक्चुअली उद्देश्य ये था कि जो मेन मुगल शासक थे उनको वो ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाह रहे थे, इसीलिए बार बार ईसाई के जो धार्मिक गुरु थे या चर्च के पादरी थे उनसे मिला करते थे। और कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि अकबर को खुद ही धार्मिक मामलों में कुछ रुचि सी आ गई, तो वो उनसे मिलना जुलना पसंद करते थे और बार बार ईसाई उनसे जाकर मिलते थे। लेकिन जो धार्मिक गोवा के वायसराय के दूत एंटोनियो कैबरेल और फादर जूलियन परेला उनसे मिले तो उनके धार्मिक मीमांसा, अकबर के धार्मिक मीमांसा को वो शांत नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने 1579 में गोवा के जो अधिकारी थे उसको अकबर ने एक पत्र लिखा कि आप मुझे एक दो विद्वान पादरी भेजो जो कि मुझे धार्मिक जो रुचि है या धार्मिक जो आपके धर्म के बारे में जो कोई शंका है उसको दूर कर सके। तो फिर 1580 जो गोवा के पुर्तगाली वास रहे थे उन्होंने 3 मिशन के तहत अकबर के पास अपने ईसाई के पादरी को भेजा। तो पहला मिशन जो आया था अकबर के पास ईसाइयों का 1580 से 1583 के बीच में, पर उसने भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर दूसरा मिशन था 1590 से 92 के बीच में, वो भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाए। तीसरा मिशन 1595 में थे, वो भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अकबर को भी एक्चुअली पुर्तगालियों में रुचि इसीलिए थी क्योंकि पुर्तगाली नौशक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी उस समय में, और अकबर उसके सैनिकों का लाभ उठाना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा अकबर भी उसके धार्मिक मामलों में रुचि इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि उसको उनके नौशक्ति का फायदा लेना था। तो इसीलिए उन्होंने 1589 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में स्थान भी दिया जहां पे उसने अपने कुछ फैक्ट्री खोले, और वहां से वो सतगांव जो कि अभी बांग्लादेश में है वहां से हुगली नजदीक पड़ता था, वहां से वो अपने व्यापार को कंट्रोल करते थे। वहां पर वो अपने नमक के व्यापार पर एक अधिकार पुर्तगालियों ने प्राप्त कर लिया था जिसका, और अकबर ने उसको पूरी छूट दे रखी थी। उसके बाद से वो उसने अपना खुद का एक कस्टम हाउस बना रखा था जिसके तहत कस्टम हाउस के तहत उसने सख्ती से कर वसूलते थे। तंबाकू के व्यापार पे भी उस पुर्तगालियों ने उस समय सख्ती से कर वसूला, और बाद में जाकर के जो तंबाकू है एक बहुत ही व्यापार की एक बहुत ही प्रमुख वस्तु बन गई थी, और पुर्तगाली धन उपार्जन के लालसा में इतना बढ़ गए थे कि हिंदू मुसलमानों के बच्चों को खरीद के और वो दास व्यापार भी करना शुरू कर दिए थे वहां पे।
उसके बाद अकबर के बाद जो उनका पुत्र जहांगीर आया, वो भी उस समय में दोनों काफी रुचि दिखाई पुर्तगालियों के धर्म में, लेकिन अकबर और जहांगीर दोनों जो रुचि दिखा रहे थे उसमें उसका खुद का निहित स्वार्थ था, वो पुर्तगाली सैन्य शक्ति के लाभ को उठाना चाह रहे थे। और बाद में जाकर के जब अकबर पुर्तगाली से सहायता ले रहे थे और जहांगीर अलग ही उसका पुत्र जो है वो अकबर के विद्रोह करने के लिए पुर्तगाली से सहायता की चाह कर रहे थे, तो फिर जब अकबर ने पुर्तगाली के पास अपना एक संदेश वाहक भेज करके उनसे बोला कि मुझे कुछ सैन्य शक्ति चाहिए, और उधर जहांगीर भी चाह रहे थे कि अपने फादर के विरुद्ध वो विद्रोह करने के लिए, तो पुर्तगाली इस चाल को समझ गए और वो दोनों को नम्रता पूर्वक मना कर दिए कि मैं आपको सहायता नहीं दे सकता। फिर जाकर के जब अकबर गद्दी से हटे और जहांगीर बने, तो फिर जहांगीर के समय में भी तो जब जहांगीर गद्दी पे आसन हुए, तो चलिए देखते हैं कि जहांगीर के साथ पुर्तगालियों का संबंध कैसा रहा। ये अकबर के साथ इतने कुछ संबंध थे जो मैंने नोट किया है, आप उसको नोट कर लीजिए, और आप किसी जो आपके पास बुक है उससे भी आप पढ़ें उसको, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एक से दो बार आप जब देखिएगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में पुर्तगालियों के आगमन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको जरूर बनेंगे। तो चलिए देखते हैं अब जहांगीर के संबंध में क्या पुर्तगालियों का संबंध कैसा रहा। तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने सिंहासन ग्रहण किया, तो एक्चुअली जहांगीर पुर्तगालियों को इतना समर्थन दे रहा था कि जो वहां के मुसलमान थे वो नहीं चाह रहे थे कि जहांगीर शासक बने, तो जहांगीर ने अपनी चलाकी से जैसे ही वो सिंहासन ग्रहण किया 1605 में, उसने क्या किया कि जेसुइट की उपेक्षा करना चालू कर दी, ईसाइयों की उपेक्षा करना चालू कर दी, और वो मुसलमानों को तब ये लगने लगा कि नहीं, जहांगीर जो है वो मुसलमान को ही सपोर्ट करते हैं वो ईसाई को नहीं, तो उसने एक चाल चला था जब वो राजा बना था, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा यही था कि पुर्तगालियों के सैन्य शक्ति का लाभ उठाया जाए, ना कि वो अपने आप अपने धर्म को परिवर्तन करना चाह रहा था। तो जहांगीर जब सिंहासन ग्रहण किया तो जेसुइट फादर की उपेक्षा कर मुसलमानों को शांत किया, पर 1606 से जब एक बार मुसलमान शांत हो गए तो 1606 से फिर से उसने समर्थन देना चालू कर दिया ईसाइयों को। उसने लाहौर में एक भव्य चर्च को पादरी आवास के साथ बनाए रखने की अनुमति दे दी लाहौर में कि एक भव्य चर्च बनेगा जिसमें पादरी का आवास भी हो सकता है। उसके बाद 1608 में 20 दीक्षा स्थान बनवाए आगरा में, उसने 1608 में ईसाइयों का एक स्थान होता था 20 दीक्षा, वो 20 दीक्षा स्थान बनाए और पादरियों को पुर्तगालियों जैसे स्वतंत्रता दी गई। गलियों और सड़कों पे कैथोलिक चर्चों के रीति रिवाज के अनुसार जुलूस निकालने की उन्होंने अनुमति दे दी। उसके बाद जो आदमी धर्म परिवर्तन करते थे, ईसाई में परिवर्तित हो जाते, उसके लिए और चर्च के खर्चे के लिए भी जहांगीर ने अपने खजाने से सहायता लेना शुरू कर दिया। आगरा के उसके सिंहासन के चारों ओर ईसाई धर्म की पेंटिंग घिर गई थी, वो अपने सिंहासन के चारों ओर ईसाई धर्म के पेंटिंग से घिरा हुआ था, जिससे ईसाइयों को ये लगने लग गया कि या तो ईसाई ये जहांगीर जो है ईसाई धर्म कबूल कर लिए हैं, ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, या बहुत जल्द ही परिवर्तित होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय तक अब जब 1600 में इस समय अंग्रेज भी भारत में आ चुका था और अंग्रेज के जो शासक थे जेम्स प्रथम, उसके एक दूत थे कैप्टन हॉकिंस ने को उसने मुगल शासक के दरबार में प्रार्थना पत्र लेकर के भेजा था अपने व्यापार में कुछ रियायत पाने के लिए, तो लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, जेम्स प्रथम ने अकबर के पास हॉकिंस को भेजा था लेकिन 1605 में ही मृत्यु हो गई थी, तो हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उस जेम्स प्रथम के प्रार्थना पत्र को लेकर के आए, लेकिन जो गोवा के वासराय थे वो नहीं चाह रहे थे कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिले और इंग्लैंड को कोई भी व्यापार में रियायत दे, तो वो अपने एक जो पादरी थे फादर पिनेरो उनको भी बोला कि आप इस मीटिंग्स को कैंसिल करवाइए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और
जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस के साथ मुलाकात की। कैप्टन हॉकिंस जो जहांगीर के लाए उपहार जो लाए थे कैप्टन हॉकिंस के लिए वो करीब करीब 25,000 सोने के बराबर थी। तो 25,000 सोने के ये उपहार पा करके जहांगीर खुश हो गए और कैप्टन हॉकिंस को जो व्यापार में रियायत थे बहुत उसको इंग्लैंड को बहुत सारे व्यापार में रियायत भी दी तथा कैप्टन हॉकिंस को अपने दरबार में नौकरी पर रख लिए 30,000 वेतन पे और 400 का मनसबदार नियुक्त कर लिया। अब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ही रह करके इंग्लैंड की जो व्यापार था उसके लिए रियायत प्राप्त किया करते थे। इसको देखते हुए जो गोवा के वायसराय थे जॉन मेंडेसा उसने ये समझा कि ये तो पुर्तगालियों के खिलाफ एक स्वतंत्रतापूर्ण कार्रवाई है, उसके अधिकारों पे अतिक्रमण है। तो उसने क्या किया कि फिर वो नाराज हो गए और भारतीय जहाजों को लूटने लगे। फिर जब जहांगीर ने उससे मिलने के लिए अपने एक मित्र मुबारक खान को भेजा 1608 ईस्वी में, तो जो कैप्टन जॉन मेंडेसा थे गोवा के वायसराय वो मिलने से मना कर दिए, क्योंकि उसका कहना था कि अंग्रेज को आप ये रियायत ना दिया करें। लेकिन जब उसने मना कर दिया तो जहांगीर इससे नाराज हो गए और उल्टा पुर्तगाली को दी जाने वाली जितनी सुविधा थी उसको ही उसने बंद कर दी और एक युद्ध पुर्तगाली और मुगल के बीच में एक युद्ध की स्थिति बन गई। उसको देखते हुए जॉन मेंडेसा ने फादर पिनेरो को फिर से भेजा मुबारक खान से मिलने के लिए और बात कुछ औपचारिक बातें हुई। उसके बाद शत्रुता समाप्त हो गई और फिर जो है इंग्लैंड को दी जाने वाली जो सुविधा थी जो इंग्लैंड के जहाज सूरत की तरफ आती सूरत के बंदरगाह पे जो आती थी उस पे जहांगीर ने इंग्लैंड के जहाज को आने से रोक लगा दिया और जिससे क्या हुआ कि पुर्तगाली तो खुश हो गए फिर इस बात से, लेकिन जो कैप्टन हॉकिंस उसके दरबार में थे वो दुखी हो गए फिर और वो नौकरी छोड़ करके वहां से चले गए। लेकिन जहांगीर को ये कहीं ना कहीं जरूर लग रहा था कि जो पुर्तगाली है वो उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं, वो भारतीय जहाजों से नजायज कर लेते हैं और भारतीय जहाज को अगर कभी कभी लूट भी लेते थे। लेकिन जहांगीर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था पुर्तगाली के अलावा, इसीलिए वो पुर्तगाली के सैन्य शक्ति पे ही निर्भर था। पर एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण जहांगीर पुर्तगाली को छोड़ करके अंग्रेज सैन्य शक्ति की ओर अपना ध्यान दिया। वो क्या घटना थी, 1612 ईस्वी में अंग्रेज का एक छोटा सा जहाज कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में जिसका नाम था ओसियंडर, पुर्तगाली के एक बड़े जहाज से उसका युद्ध हो गया और उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज को विजय मिल गई। इसको देखते हुए जहांगीर का झुकाव अंग्रेज के प्रति होने लग गया कि ये छोटा सा जहाज पुर्तगालियों को इतने बड़े जहाज से युद्ध किया और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली। इसी बीच क्या हुआ था कि अंग्रेज पुर्तगाली उसके भारत के कुछ 3-4 जहाज को लूट भी लिए थे जिससे जहांगीर रुद्ध हो गए और अपने सैनिक को बोले कि जाओ पुर्तगाली से इसकी भरपाई करो। तो फिर इस तरह से जहां मुगलों की और पुर्तगालियों के बीच में शत्रुता बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद जब 1627 ईस्वी में शाहजहां शासक बनते हैं तो शाहजहां देख लिए थे कि पुर्तगाली किस तरह से व्यवहार किया करते थे भारतीय व्यापारी के साथ, तो उसने क्या किया कि जितने भी रियायत पुर्तगाली को दी जा रही थी वो सबको उसने बंद कर दिया और शाहजहां के बेगम मुमताज महल के 2 दासियों के साथ भी पुर्तगालियों ने उसको बंदी बना करके और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जिसके कारण शाहजहां को ये बातें पसंद नहीं आई और पुर्तगालियों को वो हटाने का ठान सा लिया। और इसी क्रम में पुर्तगालियों ने 24 जून 1632 को हुगली पे अपना अधिकार कर लिया। तो हुगली पे अधिकार कर लिया, फिर जो मुगल शासक शाहजहां के आदेश पे कासिम खान ने 1.5 लाख सैनिक के साथ वहां पे आक्रमण किया। 1.5 लाख इसी लिए किया क्योंकि वो पुर्तगाली के युद्ध कौशल से भयभीत थे। लेकिन 3 महीने तक ये युद्ध चली और इसमें कासिम खान की विजय हो गई और उसमें 300 ईसाई और 600 पुर्तगाली
जान बचाकर किसी तरह से भाग गए। उसमें मुगल के भी 1000 सैनिक मारे गए तथा मुगल ने पुर्तगालियों के 400 सैनिक को पकड़ के आगरा लाया और वहां पे उसको धर्म परिवर्तन कराने का विकल्प दिया गया। तो इस तरह से मुगलों के साथ पुर्तगालियों के संबंध खराब होते चले गए। इसी बीच में डच भी भारत में आ चुका था और अपनी व्यापार को और अपनी साम्राज्य को बनाने के लिए वो बार बार पुर्तगालियों पे आक्रमण कर रहा था। डच की जो सैन्य शक्ति थी वो पुर्तगालियों से ज्यादा थी और जिसके कारण से पुर्तगाली उसका सामना नहीं कर पाया और करीब 17वीं शताब्दी के पहले दशकों में या पहले दो दशकों में पुर्तगाली जो व्यापार था या पुर्तगाली जो शक्ति थी वो भारत में कुछ जगहों पे सिमट के रह गई। तो देखते हैं कि पुर्तगाली के पतन के क्या क्या कुछ प्रमुख कारण रहे। तो पुर्तगालियों के पतन का जो प्रमुख कारण रहा इसमें से ये कुछ प्रमुख कारण रहे, तो चलिए इनको देखते हैं। पुर्तगाली सम्राट निरंकुश था तथा धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु और धर्मांध थे। पुर्तगाली जो सम्राट था वो निरंकुश था और जब किसी देश की राजा निरंकुश हो जाता है तो उसका प्रजा भी उसको नहीं चाहने लगता है, वो भी प्रजा का जो विश्वास है वो राजा के प्रति समाप्त होने लगता है, जिसके कारण वो कहीं पे दूसरे देशों में राजा के प्रति उतना उत्तरदायी नहीं रहता है। और जो धर्म के मामले में थे वो पुर्तगाली बहुत ही असहिष्णु और धर्मांध था, वो जबरन लोगों को उसके धर्म को परिवर्तित करवाते थे या वो लालच से करवाते थे, लेकिन वो धर्म को परिवर्तन जबरन कराते थे जिससे दूसरे लोगों को पुर्तगाली से नफरत सी होने लगी और लोग चाह रहे थे कि पुर्तगाली उसके समाज से दूर जाए। दूसरा कारण था उन्होंने डकैती और लूटमार की नीति अपनाई। वो जब जिस समय वो ज्यादा ताकतवर था तो वो व्यापार जितना कर पाता था उसके अलावा वो दूसरे के जहाजों को लूट लेता था, दूसरे के जहाजों पे डकैती कर लेता था और दूसरे व्यापारी उससे बहुत परेशान रहते थे। तो वो भी चाहते थे कि किसी तरह से पुर्तगाल का साम्राज्य या पुर्तगाल का व्यापार समाप्त हो जाए। 1580 में पुर्तगाल स्पेन एक साथ जुड़ गया था। 1580 में स्पेन और पुर्तगाल आप मैप पे अगर देखेंगे तो दोनों एक पड़ोसी देश हैं और 1580 में दोनों जुड़ गए थे और 1588 में एक नौसेना युद्ध हुआ था स्पेन और इंग्लैंड के बीच में। तो इंग्लैंड ने स्पेन को करारी शिकस्त दी थी और जिसके कारण से स्पेन का पराजय हो गया और जब स्पेन के पराजय होते ही पुर्तगाल का भी पतन होना शुरू हो गया। ब्राजील की खोज के बाद पेट्रो अल्वारेज ने ब्राजील की खोज की थी जो कि पुर्तगाल के ही थे। तो ब्राजील की जब उसने खोज कर ली तो ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों का ध्यान जो है ज्यादातर ब्राजील की ओर केंद्रित हो गया। वास्तव में पुर्तगाली राजनीतिक और आर्थिक रूप से दूसरे पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम थे। जो दूसरे पश्चिमी देश थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, डच, जितने राजनीतिक और आर्थिक मजबूत होते चले गए उतने पुर्तगाली मजबूत नहीं हो पाए और उससे प्रतिस्पर्धा करने में हर मामले में राजनीतिक मामले में या आर्थिक मामले में वो पिछड़ते चला गया। और इसी कारण से जब डच भारत में आया तो जो पुर्तगाली ने दूसरे को लूट के या उस पर डाका जब दूसरे के जहाजों पे आक्रमण करके वो दूसरे को हिंद महासागर से खदेड़ा था, डच ने भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया और उसी तरह से उसको बाहर खदेड़ दिया। तो दूसरे पश्चिमी देशों के साथ वो प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम थे और यहाँ तक कि पुर्तगाल में ज्यादा उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाए थे जैसे कि और पश्चिमी देशों में उद्योग धंधे विकसित हो पाए थे। कल कारखाने लगे थे, उसे कच्चे माल की जरूरत होती थी और वहां पर तैयार माल ज्यादा बनते थे, लेकिन पुर्तगाल में ऐसा नहीं हो पाया था और पुर्तगाल केवल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बनकर रह गया। वो एक देशों से माल लाता था और दूसरे देशों को माल सप्लाई करता था, वो इसी अपने रोल में रह गए जिसके कारण से उसकी आर्थिक शक्ति या राजनीतिक शक्ति या नौसेना की शक्ति इतनी मजबूत नहीं हो पाई और धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन होते चला गया। तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि कैसे वो यूरोपियन का आगमन हुआ और पहला जो यूरोपियन था वो पुर्तगाली था, तो वो कैसे आया, अपने व्यापार को कैसे यहाँ पे स्टेबलाइज किया, मुगल शासकों के साथ उसके क्या क्या संबंध रहे और जो व्यापार किया उसका व्यापार कहाँ कहाँ से किस किस वस्तुओं का व्यापार रहा और उसके पतन के क्या क्या कारण रहे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डचों का आगमन और उसके व्यापार के संबंध में, उसके प्रशासन के संबंध में।
तो अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और एक बार नहीं तो दो बार अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पूरी समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी बुक आपके पास है उससे आप एक दो बार पढ़ ले तो मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।